तो आज हम लोग सब्जेक्टिव सीरीज का 2021 का हमने 2022 का सेकंड फर्स्ट सेटिंग कर लिया था और 2021 का फर्स्ट सेटिंग हो चुका था और 2021 का ही सेकंड सेटिंग ये द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछे गए हैं उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो और आपका ये समझे कि फास्ट रिविजन चल रहा है तो इसको आप जल्दी से मतलब कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा उसको भी आपको करते रहना है इसके लिए, क्योंकि अब समय कम है और आपके पास अब हम लोग के पास कुछ दिन बचे हैं लेकिन हम लोग उतने दिन में कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी विषय का हम लोग तैयारी घर पे कर रहे हैं। अभी अगर विद्यार्थी हैं तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए और क्वेश्चन बैंक को आप खूब पढ़िए, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। ज़्यादा आपको कुछ एफर्ट नहीं लगाना है, पर सिर्फ आप 10 दिन जो भी आपका समय बचा है सिर्फ आप फोकस कीजिए अपने क्वेश्चन बैंक पर। जो भी क्वेश्चन बैंक रखें उसको पूरा एकदम कंठस्थ कर लीजिए अच्छी तरह से, आपका मन चाहे स्कोर जरूर हो जाएगा, इतना गारंटेड है क्वेश्चन बैंक से। और कुछ क्वेश्चन नए पूछे जाएंगे तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा क्योंकि उसके आधार पर ही सवाल नया पूछा जाएगा। खूब तो हूँ बहुत सवाल पूछे ही जाएंगे इसमें से, इतना गारंटेड है। उसके बाद इसके पैटर्न पर ही आपसे कुछ नया सवाल पूछाएगा। चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं लेक्चर को। मैंने पहले से नोट्स हर बार की तरह इस बार भी रेडी कर दिया है, सिर्फ आपको सॉल्यूशन दिखाना है और कुछ कुछ बातों पर हम लोग डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ में। तो और ऑब्जेक्टिव सीरीज हमने किया, अगर आप नए वीडियो देख रहे हैं तो पिछला लेक्चर जाकर ऑब्जेक्टिव देखिए और ऑब्जेक्टिव का जो मॉडल सेट कराया गया है आपको ऑब्जेक्टिव करना भी चाहिए हर बार की तरह। इसमें भी मैं पहले आपको ऑब्जेक्टिव दिखा देता हूँ क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसका सेकंड पाली का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको खुद से करना है। ऑब्जेक्टिव बहुत पहले से पढ़ा दिया है, मेरा पुराना चैनल था उसमें भी कराया गया था। चलिए ये रहा आपका पेपर 2021 का सेकंड पाली का। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते चलिए क्या क्या पूछा गया है आपसे, एक बार फटाफट आपको आंसर करते चलना है। 7 क्वेश्चन हो गया, चलिए इधर आइए। 8 नंबर, नौ, 10, 11, 12, 13। इसको अब जल्दी कर, इसको करना ही करना है, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ तो आपको नहीं करना, आपको बिल्कुल करना है। आपके एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए मतलब समझिए संजीवनी बूटी है। जिस विद्यार्थी का ऑब्जेक्टिव सही हो गया तो उसका फर्स्ट डिवीजन तो ऐसा ही हो रहा है। बाकी हम लोग अभी जो सब्जेक्टिव इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को अच्छा स्कोर करना है, 90+ का जो अपना टारगेट है उसके लिए हमको ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना जरूर, सब्जेक्टिव भी करना जरूरी है। बाकी फर्स्ट डिवीजन जिसको खाली लालसा रहता है तो बस सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कर लेंगे तो आपको फर्स्ट हो ही जाएगा। अब वीडियो करो करो के कर लीजिएगा, मैं थोड़ा इसको समय दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा फास्ट कर रहा हूँ, आपके पास समय बच रहा है, अब कर लेंगे। 59 क्वेश्चन हो गया, चलिए 60 नंबर देखिए, 60 सारे फार्मूले पूछ लेते हैं इसम सवाल खूब कीजिए। जो भी आपको स्क्रीन पर सवाल जा रहा है 60 के बाद से सारे क्वेश्चन को जरूर करना चाहिए। 71 आप छोड़ सकते हैं, आपको मैं बोला हूँ कि ज्यामिति वाले क्वेश्चन में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, जरूरत नहीं पड़ेगा आपको 50 क्वेश्चन ही करना है, 50 छोड़ के आना है तो आप इन क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, काहे के लिए उसमें आपको रिक्स लेना है फालतू में। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, आता है फिर भी 77, 78 सारे क्वेश्चन इधर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन में कोई टफ नहीं है आपके लिए। सारे क्वेश्चन इधर का वो करने चाहिए जितने सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 95 हो गया, इसका तो मैं एक शॉर्ट वीडियो डाला था बना के, 96 वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसके लिए मैं एक वीडियो बना के प्रॉपर डाल दिया हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा, अगर उसमें से क्वेश्चन आता तो बिल्कुल आप बेहिचक कर लेंगे। चलिए अब सवाल आता है अपना यहाँ से, एक नंबर सवाल देखिए, बोला सिद्ध कीजिए सिद्ध करें कि बिंदु जो दिया गया तीनों समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अच्छा, समद्विबाहु समकोण के शीर्ष होने का मतलब क्या हुआ, यानी हमको समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये रहा आपका आंसर, देखिए पहले मैंने मान लिया कि मैं बिंदु, चलिए मैं वीडियो से पहले ही हट गया हूँ, सिर्फ आपको सोल्यूशन दिख रहा होगा, आप यहाँ से वीडियो को रोक के भी कर सकते हैं और समझते चलिए। अब तीनों बिंदु के शीर्ष मान लीजिए कि अपने तीनों बिंदु के शीर्ष हैं, तो पहले आप तीनों का दूरी निकालिएगा, दूरी सूत्र से x2-x1 और y2-y1 का होल स्क्वायर से आप निकालिएगा, x2-x1 का होल स्क्वायर, y2-y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी सूत्र लगा दिया अपने, अब देखिए पहले ए से बी की दूरी निकाला अपने, 5√2 आया, इकाई मान लीजिएगा, यहाँ पर इकाई लिख सकते हैं हम, लिखना चाहें तो इकाई लिख भी देना चाहिए। चलो बी सी आपका कितना आया, बी से सी की बिंदु बी और सी की दूरी आपने निकाला
10 आया, और एससी की दूरी अपने निकाला तो फिर से 5√2 आया। आप देख रहे हैं कि दो दूरी बराबर आया है और तीसरा अलग है, तो हमको समद्विबाहु समकोण साबित करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कर्ण का जो वर्ग होगा यानी बराबर भुजा का जो वर्ग होगा उन अन्य दो भुजाओं के वर्ग के जो फल के बराबर बनाना चाहिए पाइथागोरस थ्योरी से। देखिए पाइथागोरस थ्योरी लगा दिया क्या है, ए बी का स्क्वायर किया, बी सी का स्क्वायर किया, और ये बी सी के बराबर आना चाहिए। तो बी सी का स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर कितना 100, यानी बी सी अपना 100 आया था तो 100 आना चाहिए। तो चलिए इसको स्क्वायर करते हैं, तो 50 25 और √2 का स्क्वायर 2, फिर 50 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 25 × 50, ये हो जाएगा 25 × 50, 50 50 कितना हो जाएगा 100 और 100, यानी दोनों यानी ये साबित हो गया कि एक हाँ समकोण त्रिभुज है। बस इतना ही करना था आपको। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14 .254 तक पद दिया गया है, अंतिम पद जो इसका है आखिरी 254 है, तो इसका 20वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आपको गिवन क्या क्या है, आपको तो प्रथम पद पता है, सार्वंतर अपने निकालिए लिए हैं, अगर एपी है तो बिल्कुल सार्वंतर इसका बराबर ही होगा, सब पदों का अंतर बराबर होगा, और 254 अंतिम पद है। लेकिन हमको इसमें निकालना है कि इसके 20 पदों का अंतिम पद मेरा एन पता है कि इतना है, लेकिन हमको क्या निकालना है कि 20 पदों तक इसका योगफल, 20 पदों का योगफल, 20 पदों का मतलब सवाल क्या है, 20वां पद क्या होगा इसका, इसका 20वां पद क्या होगा। चलिए यानी हमको ए 20 क्या है पता करना है, एन 20, तो चलिए ए 20 का मत कहने का मतलब कि इसका 20वां पद क्या है, तो एन पता करना है, तो एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। एन का फॉर्मूला ये होता है, लिख दिया हूँ ए प्लस एन, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ डी लिखा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, ये डी है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, बस ये कमन रख दिया अपने, ये एन का मन 20 से 20 पदों का निकालना है, तो डी आपका सर्वांतर 5 आया है, 4 का 4 20 में से गया कितना होगा 19, 19 5 कितना होगा 95, 19 5 95 और 4 कितना होता है 99, आपका ये आंसर हो गया। चलिए दो अब अगला सवाल नंबर नेक्स्ट। आपको क्वेश्चन लिखते चलना है, और ये आपका फाइनल और अंतिम रिवीजन है, आपका तैयारी भी अच्छा हो चुका है, इसलिए हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा और हमको मतलब अनुभव अच्छा आ जाए, अपना फीलिंग अच्छा है, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। चलिए ये रहा अपना सॉल्यूशन, तीनों बिंदु आपको जो दिया गया उसको आपने क्या किया कि दिखा दिया कि ए बराबर इतना है, आपको दिख रहा है प्रॉपर, चलिए ए बराबर बी बराबर सी बराबर अपने बिंदु का मान लिया, आपके बिंदु हैं और आपको पता है कि संरेखी साबित करना है, तो जब तीनों बिंदु से संरेख होती है तो उससे जो बना क्षेत्रफल होगा त्रिभुज बनेगा, उन तीनों बिंदु से त्रिभुज बनेगा उसका एरिया जो आएगा क्या होगा, वो किसके 0 के इक्वल होगा, इतना तो आपको पता है। बस अब त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको पता है फॉर्मूला का ट्रिक भी सिखाया था पिछले वीडियो में, बहुत पहले वाला वीडियो में, और हर बार देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है संरेखी से, तो आपका रिविजन अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बस मान बैठाइए x1 का, देखिए ये x1 हो जाएगा, ये x2 और ये क्या हो जाएगा x3, ये x1 x2 x3 y1 y2 y3, बस मान बैठा दिया हूँ, लिखना चाहते हो लिख भी सकते हैं कि x1 का मान इतना x2 का मान इतना, लेकिन दो नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट किया हूँ, ज़्यादा इसको आप लंबा नहीं कर सकते हैं, मान बैठाइएगा, तो मान बैठाने पर क्या होगा, x2 का मान y2 का मान b है, y3 एक है, x2 0 है, सब का मान बैठा दिया हूँ। अब देखिए a में b से गुना, ab a में x से गुना करेंगे तो माइनस x तो माइनस a, ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ दिया हूँ। यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ बचेगा क्या माइनस b, तो माइनस b में x से गुना करेंगे तो माइनस b और बराबर में 0, ये दो गुना में था भाग में था तो इसको उठा के लाया तो इधर गुना में आ गया, इधर बचा ab माइनस a माइनस b। अब देखिए मुझे साबित क्या करना है, हमको साबित करना है प्लस b, तो मैं इधर ये रख लूँगा इसको हटाऊँगा तो ये इधर क्या हो जाएगा माइनस में, इसमें से माइनस हमको a प्लस b साबित करना है, तो इसको यहाँ पर लेंगे माइनस में है तो माइनस कॉमन कर देंगे यहाँ से, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस से इस माइनस को हम काट सकते हैं। अब क्या बचेगा अपने ए प्लस बी, इधर बचेगा ए बी, हमको तो साबित करना है बट्टा में, हमको साबित करना है भिन्न में, तो भिन्न में बनाने के लिए हम इसको भाग दे देंगे। देखिए अपने अपने को साबित करना है एक बट्टा ए एक बट्टा बी, और इधर हमको एक आना चाहिए तो हमको इसको हटाना है,
इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखिए इसको ए बी को हटाना है तो इतना ही से भाग देंगे तब नहीं तो रेक आएगा, तो भाग दे दीजिए पूरे समय में, पूरे सवाल में क्या किया ए बी से भाग दे दिया, यहाँ भी इसमें भी ए बी से भाग, इसमें भी ए बी से भाग, इसमें भी ए बी से भाग, तो ये तो कट गया एक बार में कट गया। और इधर क्या देखिए क्या हो गया, ए से ए कट गया, बी बच गया, बी से बी कट गया, ए बच गया, तो हमारा बच गया यहाँ बचा एक बट्टा बी, एक बट्टा ए, इधर बचिया एक, हमको थोड़ा सीधा लिखना है, सीधा लिख लेंगे तो पहले इसको फिर इसको और बच गया एक, यही साबित करना था आपको, ये अपना राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए समय बिल्कुल बच रहा है और परीक्षा में इतना ही फास्ट बनाना है। 3 बन गया, 4 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ भी सकता था कि बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए, अब जब सोल्यूशन का वीडियो है तो सोल्यूशन हो रहा है इसमें। 4 नंबर आपने क्वेश्चन देख लिया, फटाक से इसका पहले सोल्यूशन कीजिए फिर वीडियो चालू कीजिएगा। चलिए गिवेन आपको दे दिया, सेक्स थीटा बराबर 3/13/12 दिया था, सेक का सूत्र क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का होता है बी बटा एच, इसका एच बटा बी हो जाएगा, अब 13/12 इसको मैंने के मान लिया, तो यहाँ से एच के मान 13 के हो गया, बी के मान 12 के हो गया, हमको पी नहीं पता है, पी पाइथागोरस से लगाएंगे और इस समकोण त्रिभुज जरूर बनाइएगा, तो पाइथागोरस सूत्र कर्ण का स्क्वायर पी के लिए होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का है 13 का स्क्वायर, इसका हो गया इतना 25 आया, 25 का वर्गमूल कहता है 5 और 2 के था तो इसका 1 के, तो हमारा अपना लंब पता हो गया 5 के। अब हमको सवाल में पूछा था कि कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकले, कॉस का सूत्र क्या होता है बी बटा एच, टेन का होता है पी बटा बी, आप चाहेंगे तो पहले कॉस का भी मान निकाल सकते हैं, टेन का निकाल के तब डायरेक्ट इसमें मान रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा, दोनों में सेम प्रक्रिया है, सेम आंसर आने वाला है। बी के मान इतना ही रख दिया और जो जो इसका पी के मान था बैठा दिया, किसके कट गया, किसके कट गया, और अपना बच गया इधर 12/13 5/12, बस बटक जोर बना दिया हूँ, यहाँ तो मत पूछिएगा, 12/13 का एलसीएम निकालूंगा, 56 आया है, ये बटक जोर कोई 10 वाला बच्चा नहीं पूछेगा हमसे, ठीक है, इसको भिन्न बनाइएगा फ्रैक्शन, तो ये आंसर आ गया। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल आपको थोड़ा दिखाता हूँ पहले, चलिए फिर क्वेश्चन देखा, 10 थीटा/3 दिया था, तो हम 10a/√3 किसके बराबर होता है, 10 60 के बराबर होता है, 10a से 10 में कैंसिल हो गया, क्या बच गया a/60°। अब देखिए जहाँ जहाँ सवाल में पूछा था हमसे कि 1 cos² a और 3 sin² a का मान निकालिए, तो हमने पहले एक सूत्र यहाँ लिख दिया, क्योंकि हमको पता है कि 1 cos²θ = क्या होता है, sin²θ, तो मैंने लिख दिया अपने सुविधा के लिए, आप डायरेक्ट यहाँ मान भी बैठा सकते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, 3 का 3 sin a का a, हमको a का मान कितना है 60°, तो यहाँ भी मैंने 60 रख दिया, यहाँ भी a का मान 60 रख दिया, sin 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, और यहाँ देखिए 3 का 3 और sin 60 का मान कितना था 3 उसका स्क्वायर कर दिया, इसका √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 × 4 होगा 3, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 2 × 4 यहाँ बना दिया बट्टा घटाओ, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 3/4 ऊपर जैसे का तैसा रखा 3/4, 12 में 3 गया 9/4, अब इसको पलट भाग दे दीजिए, 4 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा, कट गया जो बच गया आपका 1/3, यही आंसर हो गया आया आपका, 3/9 आया, लेकिन इसको फिर से काटेंगे तो 1/3 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए एक सवाल था आपको 6 नंबर दिख रहा था पहले ही, सिद्ध करने वाला सवाल था त्रिकोणमिति वाला, चलिए अपने LHS ले लिया, देखिए हमको साबित करना है इधर सब कट छट के हमको एक बचना चाहिए, तो हमको देखिए क्या होगा, हम क्या करेंगे सबको, हमको पता है sin²θ + इसको हम sin²θ + cos²θ बना देंगे तो एक हो जाएगा, इतना पता है, और इधर तो पहले चलिए इसको सूत्र बनाते हैं, 6 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin² / 3, 3 × 6 हो गया कि नहीं हो गया, cos² को लिख सकते हैं cos²³, क्योंकि 3 × 6 हो गया, अब देखिए यहाँ से फायदा क्या हो गया, अब थोड़ा पावर को भूल जाइए, 3 हटाइए, तो a² + b² एक होने वाला है कि नहीं होने वाला है, अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, और इधर जैसे तैसा रखा मैं, तो ये सूत्र बन गया a² a³ + b³, यहाँ देखिए भले यहाँ बन गया सवाल, ये इसको मान लीजिए आप, ये आपका a हो गया और ये मतलब a + b, a³ + b³, ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं दोनों पर इसको क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ की पावर क्यू है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ sin θ + cos θ³। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, हमको फार्मूला मिल गया, aq + bq का ही फार्मूला होता है ये, देखिए ये क्या हो गया aq + bq, तो aq + bq का फार्मूला होता है aq + bq, इसे कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, aq + bq, थोड़ा फार्मूला सही से लिख लिया जाए,
ए क्यू प्लस बी क्यू, आपको यहाँ दिख रहा था ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला होता है प्लस बी के होल क्यू माइनस थ्री ए बी इन टू ए प्लस बी। तो मैंने लागू कर दिया, क्या होता है सूत्र, ए प्लस बी के होल क्यू। तो मैंने ए ए साइन स्क्वायर थीटा है, बी बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी के होल क्यू माइनस थ्री ए, ए का मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी का मान क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इन टू इन टू ए प्लस बी, ए का मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सिर्फ इसका फॉर्मूला हुआ इतना का। अब ये जो बच गया है इसको तो लिखना पड़ेगा आपको, ये क्या बच गया है प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आपको लिखना ही था, ठीक है। चलिए अब क्या हो कट गया, इधर से यहाँ क्या है प्लस थ्री साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या है माइनस थ्री साइन स्क्वायर, एक ये दोनों आपस में कट गए, क्या बच गया अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू, तो इसको लिख दिया हूँ। और क्या बच गया बच गया आपका ये बच गया गुना, ये बच गया ना सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है क्यू है तो क्यू लगा दिए, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है, बस एक क्यू एक होता है, एक एक होता है, एक में करें तो एक एक, बहुत बहुत सिंपल है। खाली आपको ये फार्मूला एक बार अप्लाई करना है, मैं बोला हूँ कि जब जब त्रिकोणमितीय सवाल बनाएंगे तो आपका एलजेब्रा वाला जो फार्मूला है बीजगणित वाला आपको बहुत ध्यान में होना चाहिए, बार बार यूज होगा, बिना इसके तो सवाल कभी सिद्ध होगा ही नहीं। चलिए चलते हैं सवाल नंबर, और याद रखिएगा आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 15 ही बनाना है, तो जो आपको अच्छा लगता है जो आपका फेवरेट है उसी को आप सॉल्व करेंगे, जो आपको थोड़ा कठिन लगता है उसको नहीं ध्यान देंगे, जो जरूरत नहीं पड़ेगा आपको 15 ही आसान क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर, बहुत आसान प्रश्न है 7 नंबर, आपको संभव त्रिभुज का भुजा दिया दू ए, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है रूट 3/4 ए स्क्वायर, एक मान रख दिया हूँ, एक भुजा कितना दिया रूट दू खाली दू दू ए, तो दू ए का स्क्वायर बस, ये तो बहुत सवाल में कुछ है ही नहीं था। 8 नंबर सवाल देखिए आपको सिद्ध करने के लिए दिया था, अब सिद्ध करने वाला सवाल आपको थोड़ा ज्यामिति और अच्छा पसंद नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ये वाला आसान था, देखिए आपको क्या करना है, आपको पहले एक डायग्राम दिया था चित्र बना लिया अपने, क्वेश्चन बोला था कौन ए के बराबर कौन सी है तो इसको अपने ऐसे मार्क कर लिया, ठीक है। फिर बोला है कौन बी कौन डी के बराबर थी बराबर है, तो अपने जब इसमें एक कौन पहला एक कौन दिखाते हैं डबल डबल निशान दिखाइए, ये दोनों कौन क्या आपस में इक्वल है, ये अपने डायग्राम से कर दिया। फिर बोला है कि त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या है सिमिलर है समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, चलिए समरूप है तो क्या करना है और क्या दिया हमको, तो हमको सिद्ध करना है कि ए डी पैरेलल बी सी साबित करना है। तो चलिए और दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इसका इसका सिद्धांत क्या कहता है कि कौन ए कौन सी के बराबर होगा, बिल्कुल दिया भी है, ए गिवन है, या भी लिख सकते हैं कि दिया है। फिर कौन बी कौन डी की क्या होगा बराबर होगा, और देखिए दो त्रिभुज की और किसी त्रिभुज की दो दो कौन आपस में बराबर हो, दो कौन क्या हो आपस में, दो त्रिभुज की संगत कौन मतलब अंत संगत कौन क्या है आपस में बराबर हो, तो उनकी जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी समानांतर होगी, इसीलिए आप लिख सकते हैं ए डी पैरेलल बी सी साबित हो गया। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था आपको, आप छोड़ना चाहते बिल्कुल छोड़ सकते हैं ज्यामिति वाले सवाल को, बहुत सवाल है ऐसे ही बना लीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9, आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है 9 नंबर जो पूछा गया है। चलिए पहले मैंने क्या किया आपको दो वृत्त बोला था, दो वृत्त बना लिया हूँ, एक त्रिज्या 3 थी दूसरे की त्रिज्या क्या 5 थी, बोला था कि एक स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा मैंने ये भी खींचा है जो बिंदु भी पर स्पर्श करती है छोटे वाले को, और बोला कि बड़े वाले की त्रिज्या 5 है तो मैंने इसको 5 ले लिया, और यहाँ पर मैंने लंब ड्रॉ इसको तो अपने दिया ही था। अब यहाँ देखिए क्या हमारे समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम समकोण त्रिभुज से क्या करेंगे इसकी हम लोग इसका जो आधार है निकाल लेंगे, हमको पूरा निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो थोड़ा ध्यान दीजिए जितना ये है उतना ही ये भी है, तो हम सिर्फ इतना पता हो जाए तो हम इतना उसको डबल जोड़ देंगे, तो इतना निकालने के लिए पहले पाइथागोरस लगा देते हैं, ठीक है। देख लीजिए पाइथागोरस लगा दिया गया तो 5 ए स्क्वायर उसका स्क्वायर सॉरी 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 9 25 में से 9 गया 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, इस तरह से अपना क्या हो गया ये सवाल, इसका इतना दूरी क्या आ गया इसका दूरी 4 आ गया, तो देखिए जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, लेकिन हम लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों के आपस में बराबर है तो दोनों 4 होंगे, इसलिए हमको निकालना है ए बी, ए बी कैसे बना है, ए बी के लिए हम लोग ए पी प्लस पी बी कर देंगे, ए पी प्लस पी बी, तो हमारा 4 दोनों क्या हो गया 8 हो गया, यही करना था, बहुत आसान, इसको जरूर कर लीजिए, इसमें नंबर भी नहीं कटेंगे और आपको डाउट भी नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 10 नंबर
मैं चाहूँ तो 10 नंबर क्वेश्चन छोड़ सकता था क्योंकि आपको करा दिया गया है, लेकिन फिर भी चलिए सोल्यूशन देख लीजिए। अब आपको बहुत सारा होमवर्क देंगे हम, तभी फास्ट अपना रिवीजन भी हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए, आपको कुछ होमवर्क मिल रहा है, थोड़ा फीलिंग भी पढ़ाई जैसा आएगा कि आप अभी भी पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, ये सोल्यूशन मैं कर दिया हूँ, फिर भी आप अपने से कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल 9th लेवल का सवाल है। बोला इसका ये फैक्टर है, तो फैक्टर है तो क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। जाहिर सी बात है, जो कुछ किसी गुणनखंड का कोई किसी बहुपद का कोई फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, तो उसके शून्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप एक इसको शून्य से कंपेयर करेंगे तो यह माइनस में है, तो इधर के प्लस में हो जाएगा। बिल्कुल ये नियम जरूरी है, आपको अपने 9th में पढ़ा होगा। अब चलिए, आप पी बहुपद पी ऑफ एक्स में क्या करिएगा, पी एक्स के ऊपर ए रखिए, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर ए पुट कर दिया, तो ये देखिए कट गया, जो बच गया आपका वही आंसर हो गया। यहाँ पर आपका एक आंसर आ रहा है। 12 नंबर सवाल देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। इन सब प्रश्नों को आप जरूर कीजिएगा, बहुत आसान आसान प्रश्न है और इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, आपको बहुपद दे रखा था एफ ऑफ एक्स बराबर इतना, तो आपने क्या किया, ए का मान यहाँ पर एक क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, सी क्या होता है, कोई कांस्टेंट अचर पद होता है, ठीक है, लिख दिया आपने। और इसके 2 शून्य दिया था, अल्फा और बीटा 2 शून्य दिया था, आप इसको नहीं भी लिखते तो कभी काम चल जाता। और उसके बाद हमसे बोला था कि एक रिलेशन दिया था ये वाला, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा के मानने के लिए। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए, यानी मूलों का एक फल का फॉर्मूला होता है। माइनस माइनस कट कट गया आपका, प्लस में 2 आया। और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र है सी बटा ए, सी का मान माइनस 8 और एक रखा आपने ए का मान, तो आपका माइनस 8 आया। बस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आया था, 2 बैठा दिया, माइनस का माइनस, अल्फा इंटू बीटा का मान था माइनस में 8, तो माइनस में 8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए आंसर आ गया, 10 में से 2 घटेगा तो 8 आंसर आ गया, पहले 8 दोनों प्लस हो गया तो 10 हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बनना चाहिए, समय बचेगा और आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। और लघु उत्तरीय प्रश्न 2 ही नंबर के हैं, जो प्रश्न छोटे होते हैं उसी को सॉल्व करना बहुत उचित रहेगा। 13 नंबर सवाल देखिए, बिल्कुल आसान है, मान रखना था। ये तो बिल्कुल होमवर्क का सवाल है, लेकिन फिर भी दिखा रहा हूँ। 14 नंबर सवाल देखिए, अब थीटा बराबर कॉट फाइव, तो सीधी कीजिए 5 + θ + 5 बराबर 90 डिग्री। ठीक, इसमें सवाल कुछ नहीं, एक लाइन का सवाल है ये। कॉट थीटा को आपने क्या किया, टेन को बदल दिया, सूत्र में बदल दिया, 10 - 90 θ बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, 10 से 10 कट गया और इधर बच गया थीटा, इधर बच गया 90 - 5, इधर लाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, इधर बचेगा 90, ये सीधी करना था आपको। चलिए 13 नंबर सवाल, सॉरी 14 हो गया, 15 नंबर सवाल, पंद्रहवीं सवाल कुछ टफ नहीं है। आपसे बोला था कि घड़ी की सुई है जो 4 घंटे में जितना कोण रचेगी उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए, हमको पता है कि 12 घंटा में घंटा की सुई एक चक्कर लगाती है और पूरा वृत्त होता है 360 डिग्री का, तो एक घंटे में वो 360 कोण बनाती है, सबको पता है 12 घंटे में भले, लेकिन हमको 4 घंटा ही घड़ी की सुई चला है, तो 4 घंटे में क्या हो जाएगा, 12 घंटे में इतना होता है 360, 3 घंटे में क्या हो जाएगा, 360/12 हो जाएगा। और 4 घंटे में हमको निकालना है तो 4 से गुना कर देंगे बस, तो हमारा मिल गया, यानी 4 मिनट में घड़ी कितना कोण बनाती है, तो 120 डिग्री, ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला है। ये घंटे का सुई का जो सुई कोण बनाती है इसका ये फॉर्मूला है, आप इसको कर सकते हैं। मिनट का होता तो उसको अलग, मिनट का क्या होता है, एक मिनट में ही 360 बनाती है, लेकिन घंटा का सुई 12 घंटा में 360 का बनाती है। तो 4 घंटा में हमारा थीटा पता हो गया, थीटा कितना कोण बना रही है केंद्र पर, 120 का कोण बना रही है, उसके बाद हम लोग सूत्र लगा देंगे। शाम की उस क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई लिखा गया है, बड़ा आर माना था यहाँ पर, इसलिए मैं आर लिख दिया हूँ, आप छोटा आर तो छोटा आर लगा सकते हैं। चलिए, अब मान बैठा दीजिए और इसको काट कूट सॉल्यूशन का जो भी कट रहा है वैल्यू काट दीजिए, जो बचेगा आपका आंसर वो आपका आंसर हो रहा है। बट्टा में रखिएगा क्योंकि 10वां में ले जाना कोई फायदा नहीं, 2 नंबर का सवाल है, तो मैं इसको बट्टा में ही छोड़ दिया हूँ। चलिए, अब 16 नंबर सवाल देखिए,
16-17 सब आसान क्वेश्चन है। हमको अर्धगोले का आयतन दिया है 18 पाई, त्रिज्या पता नहीं तो त्रिज्या का मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया, अर्धगोले का आयतन जो दिया है उसी का सूत्र लगाया, अर्धगोले का आयतन दिया तो इसका फॉर्मूला लगा दिया, और कितना दिया था इतना पाई से पाई कट गया। अब इसको ले जाएंगे तो यहाँ भाग में है तो गुना में आ गया, दो तीन गुना में था, भाग में था तो गुना में चला गया, दो भाग में था तो गुना में आ गया, काट देंगे तो 9 × 3 = 27, 27 का घनमूल कितना होता है 3 होता है, लेकिन मैं यहाँ काटा नहीं हूँ, गुना नहीं किया हूँ, 9 को ऐसे ही छोड़ दिया हूँ, फिर 9 को तोड़ दिया हूँ, तितरी के 9 और 3 तो पहले से था, 3 में से घनमूल में क्या होता है 3 संख्या में से एक पेयर निकलता है बाहर, 3 के पेयर में से एक बाहर निकल गया, ये त्रिज्या निकलना था। और ये सवाल तो बहुत आसान है, आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक निकालना है 17 नंबर में। चलिए इस सीरीज में हम लोग का पहला बहुलक क्वेश्चन है, इसलिए मैं पहले सॉल्व करके बताता हूँ, लेकिन अब जब अब बहुलक का सवाल आएगा तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, वो आपको होमवर्क में छोड़ देंगे। चलिए तो ये देखिए आपको दिया था, सारणी अपने तैयार कर लिया, पहले आपको बहुलक वर्ग निकालना होता था, बहुलक वर्ग क्या होता है, जो बरम्बरता वर्ग की अधिकतम सीमा होगी वही जो अधिकतम बरम्बरता वर्ग होगा वही बहुलक की सीमा होगी, तो बरम्बरता वर्ग में सबसे अधिकतम कौन है 32 है, तो यही आपका ये हो गया बहुलक वर्ग की सीमा हो गया। तो इसमें देखिए जो बहुलक वर्ग की सीमा में सबसे ये पहला क्या है एल, निम्न सीमा को हम लोग एल, इसको एल का मान 20 हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जिसमें बहुलक वर्ग पड़ा है, इसको हम लोग लिखते हैं F1, क्या लिखते हैं F1, ये F1, इसको ऊपर वाला लिखते हैं F0, इसके नीचे लिखते हैं F2, ठीक है ना। अब यहाँ सबको लिख के समझा दिया हूँ, ऐसे आपको लिखना है परीक्षा में, लिख दिया अपने सब अधिकतम वर्ग जो था अपने F1 F2 F0 सब लिख दिया वैल्यू, H के लिए क्या करना होता है ये सबके देखिए कितना का अंतर, ये समय कितना गैप है, समय कितना का मतलब डिस्टेंस है, इसकी ऊंचाई क्या है, हाइट क्या है, तो 40 से 50 समय 10-10 का आप देख रहे हैं कि डिफरेंस है, तो ईच 10 हो गया। मोड का फॉर्मूला आपने लगा दिया, मोड बराबर क्या होता है L+F1 - F0 बटा में 2F1 - F1 F0 - F2 इंटू में H, सबका मान रख दिया हूँ, और बस जुड़ जो गुना कर दीजिए, इसमें से घटाएंगे तो 15 बचेगा, यहाँ गुना करेंगे तो 64, ये माइनस माइनस दोनों प्लस में हो गया, पहले -17 - 10 - 27 हो गया, 10 से 15 में गुना कीजिए तो 150 हो जाएगा, 37 से 150 से भाग दीजिए तो 4.054 बार में कटेंगे, और कटेगा नहीं भागते जाएगा संख्या, इतना ही पे छोड़ दीजिए और सबको जोड़ दीजिए तो आपका ये मोड आ गया, बहुलक आ गया। अब चलिए प्रैक्टिस का सवाल है, प्रैक्टिस तो बिल्कुल बिना बच्चा एक बार कोई बच्चा पढ़ ले तो सवाल गलत नहीं होगा। मान ली दो पासा फेंकना है तो दो पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा, एन पासा में 6 का पारायण होता है, 6 2 है, 6 2 6 6 36 हो गया, लेकिन अब लिखेंगे तो 6 6 को होता है तो 6 36 को संख्या हो गया, एनएस मिल गया। अब आपसे पूछा है दोनों पर, जैसे मान लीजिए अपने पास पासा है, तो मान लीजिए कि कोई पासा ऐसा है और ये पासा है, जो इस पर अंक आएगा वो दोनों में गुना करने में 12 आना चाहिए, तो मान लीजिए यहाँ पर 2 आया है तो अगले पर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए ना, तो यहाँ पर अगले पर 6 आना चाहिए, तब ना 6 × 2 = 12 होगा, फिर मान लीजिए इस पर 3 आया है तो इस पर 4 आना चाहिए, इस पर 4 आया तो इस पर 3 आना चाहिए, तो कुल परिणाम कितना होगा उसका, घटना के कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो घटना कुल परिणाम हो जाएगा, एक पर दो एक पर छः आना चाहिए, एक पर 3 एक पर 4 आना चाहिए, एक पर 6 × 2 = 12 आना चाहिए, फिर 4 × 3 = 12, 1 2 3 4 यानी 4 परिणाम हो गया बस। अब एनी बटा एन एस लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर प्रायिकता का फॉर्मूला तो ही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एनी बटा एन एस, एनी के मान 4 है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम संभव कुल परिणाम 1 4 + 4 = 36, 1/9 आ गया। चलिए 19 नंबर सवाल, एक हल दिया है इस द्विघात समीकरण का, एक हल दे दिया है 2/3, तो बस दूसरा हल निकालने के लिए ये हल है तो इसके शून्य के मतलब बराबर होगा, यानी इसके तो जहाँ जहाँ वाई है वह इसको हम ये रख सकते हैं, और ये समीकरण का हल है तो वाई बराबर एक मान है, एक और निकालना है तो हम इसको अब क्या करेंगे, वाई बराबर 2/3 पूरे समीकरण में रखेंगे तो एक और हल निकलेगा। चलिए सब देखिए, जहाँ जहाँ वाई था वहाँ मैंने 2/3 रख दिया, जहाँ वाई है 2/3 रख दिया, तो 2 × 4 हो गया 3 × 9, फिर 2 में कैसे गुना के 2 / 3 7 × 28 / 9 और 2 / 3 इसका, फिर यहाँ से बटक जोड़ बनाया हूँ तो इन सबका एलसीएम लिया हूँ तो 9 आया है, 9 × 3 = 9 एक बार में तो 28 × 28 3 × 9 3 × 3 = 6 और 9 बार में तो 9 × 3 = 27, ये एक घट गया 28 में से 27 गया तो एक बचा, ठीक है 28 में 27 एक बचेगा 6 के, और 9 यहाँ भाग में था तो यहाँ गुना में आया तो 0 हो गया। अब 6 के इधर प्लस में था इधर आगे माइनस में हो जाएगा, इस तरह अपना के का मान क्या हो गया, और 6 गुना में तो इधर भाग में आ गया -1/6 आंसर आ गया। 20 नंबर सवाल देखिए फटाफट, चलिए 20 नंबर सवाल बोला है,
इसका समीकरण का मूल की प्रकृति निकालना है, तो मूलों की प्रकृति लिए क्या होता है, डी निकालना पड़ेगा आपको। डिस्क्रिमिनेंट जब डी निकालेंगे तो मालूम चलेगा मूल कैसा है। अगर डी का मान जीरो आता है तो मूल समान है, डी का मान एक आता है, डी का मान एक आ गया तो मूल की प्रकृति वास्तविक होगी, और डी का मान अगर माइनस में आंसर आ रहा है कुछ भी तो समझ लीजिए कि मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन होते हैं डी का, डिस्क्रिमिनेंट का, विवेचक का। तो चलिए, मैंने ए का मान इतना, बी का मान ये, सी का मान ये जो है लिख दिया हूँ। डी मूलों की प्रकृति निकालने के लिए डी हमको निकालना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी के मान चार माइनस चार रूट तीन है। तो चरचौ का देखिए, चरचौ का सूर्य, इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो चरचौ का सूर्य रूट तीन के स्क्वायर तीन, सूर्य तीन अड़तालीस, इसको भी करेंगे तो अड़तालीस, अड़तालीस में तो अड़तालीस का जीरो। अगर डी के मान जीरो है, चूंकि डी के मान जीरो है इसलिए मूल क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे, वास्तविक और समान होंगे। इक्कीस नंबर सवाल, चलिए कस्टमर सवाल बोला था कि तीन से विभाजन होने वाली कितनी, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का ही सवाल है ये। तो देखिए, तीन से विभाजन होने वाली कितनी संख्या हो सकती है, तीन से पहले पहले तीन चौक का बारह कटेगा, तीन से बारह से नीचे कोई संख्या तीन से नहीं कटता, फिर तीन पच्चीस पंद्रह कटेगा, अठारह कटेगा, तीन सत्तर इक्कीस, तीन और चौबीस, तीन सत्ताईस, ऐसे कटे करते लास्ट में हमको दो अंकों वाली संख्या एक 99 कटेगा और 100 तो कटेगा नहीं, दो अंकों की लास्ट की संख्या 99 होती है, इतना तीन तीन से कटेंगे। और ये क्या है, सूची क्या है, एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि इसके पदों का अंतर क्या है भाई, सेम है। आप चाहें तो इसको परीक्षा में नहीं लिखे तो भी आपका काम चल सकता है, मैं समझाने की इसको लिख दिया हूँ। अब चलिए, अब अगर इसको हमको निकालना है कितने पद इसमें हैं, कुल कितने पद हैं, यानी हमको एन पता करना है, तो एन का फॉर्मूला लगा दिया हूँ, ए प्लस एन माइनस वन डी, और लास्ट पद कितना है, एन का मान कितना था, एन अंतिम पद कितना है 99, और एक एन का फॉर्मूला लगा दिया, ये हो गया, ये का मान बैठा दिया, एन पता नहीं है। अब चलिए, ये 12 यहाँ प्लस में तो इधर माइनस में हो गया, तीन गुना में तो भाग में आ गया, शॉर्ट में बनाया हूँ, बहुत तेजी में बनाया हूँ, अन इसमें घटाएंगे तो 87 बचेगा, बटा में तीन तीन से काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 29 बार में, इधर माइनस में एक है तो इधर प्लस में होगा। अब तो हमसे दो अंकों वाली तीन से विभाजन होने वाली दो अंकों की संख्याएं कितनी हो सकती हैं, कुल तीन संख्याएं हैं, 30 संख्याएं हैं जो तीन से विभाजित सकती हैं दो अंकों की संख्या। इक्कीस नंबर सवाल, पहले आपको खुद से सॉल्व करना है। बाईस नंबर, हम लोग आ गए हैं 30 क्वेश्चन के करीब करीब में। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। तो हमने देखिए दो संख्या बोला है, पहला संख्या मैंने x मान लिया और दूसरी संख्या क्या होगा, बोला दो संख्याओं का योग 8 है। तो अगर पहली संख्या मान लीजिए, मैं बोला हूँ कि मोहन और सोहन के पास कुल 10 रुपया है, मोहन के पास 4 रुपया है, तो सोहन के पास कितना होगा, तो 10 में 4 घटाएंगे तो सोहन के पास 6 बचेगा, नहीं बचेगा। दो संख्याओं का योगफल अगर 8 है, एक संख्या उसमें से एक है, तो दूसरी संख्या क्या करेंगे, कुल योग 8 में से घटा लेंगे तो दूसरी संख्या बच जाएगा। और इनके व्युत्क्रम का योग बोला है प्रश्न से 8/15 है, तो देखिए इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इनवर्स, 1/8 - x। अब दोनों का योगफल बोला था 8/15 है, बस यहाँ से बटा का जोड़ बनाया हूँ, इसमें एक से गुना किया हूँ, इसमें एक से गुना किया हूँ, तो x में कर इतना ही होगा, x में x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, बटा में इसका दोनों का एलसीएम ले लिया हूँ। अब देखिए, ऊपर x x कट गया, नीचे क्या होगा अपना, नीचे इसमें x में 8 में करते हैं 8x हो जाएगा, और x में x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस गुना कीजिए, 8 में 8 से 64, इधर किया हूँ, देख लीजिए क्रॉस गुना हुआ है कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं बता दिया हूँ क्रॉस गुना करना है। 64 और 8 में x 8x स्क्वायर, और उधर 15 में 8 से करते तो 15 8 120। अब इसका 8 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, बच गया x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब इसका गुणनखंड निकाल दीजिए, तो एक आंसर आपका गुणनखंड में आएगा, आपका सॉल्यूशन दो आएगा, एक 5 और एक 3 आ रहा है। तो देखिए, अगर आप अगर इसको पहली संख्या मानते हैं, अगर इसको पहली संख्या मानते हैं 3, तो दूसरी संख्या 8 में से 3 के 5 आएगा। अगर आप इसको पहली संख्या मानते हैं तो दूसरी संख्या 8 में से 5 गया 3 आएगा, यही यानी 3 5 आपका सॉल्यूशन हो गया। 23 आपको देखें, यहाँ पर इस डब्ल्यू लिखा गया है बिल्कुल, क्योंकि आपको खुद से करना है। चलिए, 23 के आंसर में बता देते हैं क्या होगा। यहाँ पर खाली लिखने के लिए पूछा है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों, दो नाम बताइए, तो माध्यमाधिका बहुलक लिख दीजिएगा, माध्यमाधिका या माध्यमाधिका बहुलक, तीनों लिख दीजिएगा, ये दो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, माध्यमाधिका और बहुलक, ये आपको लिख देना है, माध्यमाधिका और बहुलक। चलिए, 24 नंबर सवाल देखिए, एनसीईआरटी का एक सवाल है लेकिन उसी के बेस पर है, उसमें साइन प्लस वन प्लस साइन दिया है, यहाँ पर वन माइनस कॉस दे दिया, कोई नहीं, ऐसे सवाल जब पूछता है तो पहले जैसे ले लेंगे। और क्या करेंगे, देखिए पहले ही ऑलरेडी सवाल माइनस कॉस साइन में है, तो
तो इसको आपको करना क्या होगा, सिर्फ इसका परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेय क्या है, जो बट्टा में संख्या उससे ऊपर नीचे गुना चिन्ह बदलकर, तो नीचे क्या है वन प्लस कॉस, तो आप वन माइनस कॉस, वन माइनस कॉस दो बार ऊपर नीचे अंश और हर में गुना कर देंगे, इसी को बोलते हैं परिमेयकरण। तो यहाँ पर हमने जो किया है इसको भी मेंशन कर दिया हूँ कि यहाँ पर मैंने परिमेयकरण किया है। अब देखिए इसमें करेंगे तो क्या हो गया, दोनों में गुना करेंगे तो वन माइनस कॉस होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ देखिए अलग है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, वन प्लस कॉस है, वन माइनस कॉस है, यानी सूत्र हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर हुआ, यहाँ पर हो गया एक स्क्वायर एक होगा और कॉस स्क्वायर होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो मैंने लिख दिया। अब दोनों पास दोनों में स्क्वायर है तो दोनों से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो खाली अपने पास बचेगा वन प्लस वन माइनस कॉस है, बटा में बचेगा साइन है। एक बार आपको साबित करना कोशिश करते हो, एक बार साइन ले लीजिए और एक बार माइनस कॉस ए बटा साइन ले लीजिए, एक बटा साइन कोशिक होता है और एक कॉस बटा साइन कट होता है, ये आपका क्या हो गया, आर एच एस हो गया, और यही आपको साबित करना था। 25 नंबर सवाल होमवर्क है, बिल्कुल होमवर्क दूंगा क्योंकि हमने अपरिमेय वाला साबित कर लिया है, दो दो सवाल अब आप कर सकते हैं। पच्चीस छब्बीस दोनों होमवर्क था, देख लीजिए, क्योंकि दोनों पढ़ा दिया हूँ, और किसी बच्चे को डाउट होगा तो अगर नए बच्चे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, उसको अगले वीडियो में समझा देंगे, या पिछला वीडियो देखिए उसके आधार पर इसको बना सकते हैं बिल्कुल, और आपको ऐसा करना भी चाहिए। चलिए 27 नंबर सवाल आपको दिख रहा था, उसमें क्या करना था भाई, हमको गुणनखंड निकालना था, बस बहुपद का शून्य का निकालना है, तो पहले उसका फैक्टर निकाल दीजिए, और शून्य का निकालना है तो भाई उसमें जो पी एक्स होगा शून्य के बराबर कर दीजिए, तो जो पी एक्स है अपना एक्स प्लस छः और एक्स प्लस पाँच दोनों में शून्य के लगा दीजिए, तो एक बार एक प्लस में छः है तो माइनस का छः हो जाएगा, प्लस में पाँच है तो माइनस पाँच हो जाएगा, यानी दो बहुपद का दो शून्य का गया प्लस ए माइनस पाँच माइनस छः आंसर आ गया। 27 नंबर सवाल हो गया। 28 देखिए, सवाल जो घड़ी वाला सवाल था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन वहाँ पर चाप की लंबाई निकलना था, यहाँ पर क्षेत्रफल निकलना है, यहाँ चाप की लंबाई निकलना है। त्रिज्या हमको 21 दिया है, केंद्र पर बना कौन भी निकालना नहीं है, दे दिया है 120, चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगा दिए, थीटा बटा 360 2πr, तो थीटा का मान इतना है 60 2π के मान 22/7 आर इतना, बस काट दीजिए जो कट गया, तो यहाँ पर 120 से तीन बार में कट गया, तीन समय 70 के तीन बार में कट गया, फिर तीन से तीन काट दिया, दुगुना 22 2 = 44 सेंटीमीटर चाप की लंबाई आ गया। 29 नंबर सवाल देखिए, और 30 नंबर तो होमवर्क रहेगा, हमारे दिया है भाई, हमारे पढ़ा दिया गया आपको, उसको पिछले वीडियो में करा दिया हूँ। 29 नंबर सवाल में भी दम नहीं है बिल्कुल, मैं क्षेत्रमिति ऑफलाइन पढ़ा दिया हूँ, बच्चे भी पढ़े भी होंगे, आप सिर्फ मेरे वीडियो पर इसलिए आ रहे हैं कि आपको रिवीजन करना है, और ऐसा रिवीजन करना है जो एग्जाम में आपसे पूछ ही ले क्वेश्चन, उसके आधार पर या सेम क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमको ऊंचाई दिया है और परिधि दिया है, अच्छा बेलन के आधार की परिधि क्या होती है, बेलन के आधार की परिधि होती है वृत्तकार होती है, कैसे होती है वृत्तकार, तो वृत्त की परिधि के बराबर हो गया, वृत्त की परिधि के सूत्र लगा दिया है, आर निकालना आर बाहर कर देंगे, क्योंकि आर निकालना तो अभी इसका वक्रक्षेत्रफल निकलेगा, तो 44 और बट्टा में आ गया ये अपना 2π, पाई के मान रखेंगे तो 22, बट्टा में 7 तो 7 चल गया ऊपर, दूसरे कट गया 22 बार में कट गया, फिर दूसरे दो कट गया, आर का मान 7 आ गया, बेलन के वक्रक्षेत्रफल निकालना था 2πr होता है, मान रख दीजिए आपका आंसर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से करके आना है, और कुछ दीर्घोत्तरी सवाल दिखा रहा हूँ, इसको भी घर पर आपको करना है, क्योंकि समय बचेगा तो हम लोग दीर्घोत्तरी क्वेश्चन का भी वीडियो डालेंगे। तो आपको मैंने दीर्घोत्तरी क्वेश्चन में दिखा दिया, दीर्घोत्तरी सवाल जल्द घर पे हल कीजिए, आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, आपने पढ़ा होगा, जरूर इसको सॉल्व कीजिए, करना भी चाहिए आपको, क्योंकि समय नहीं है अभी आपके पास, बिल्कुल समय नहीं है बिल्कुल, अब खूब पढ़िए, आप जितना पढ़ना आपको 10 घंटा 8 घंटा खूब मेहनत कीजिए दबा के, और इतना अगर मेहनत आप कर लेते हैं तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि आपका परिश्रम बेकार नहीं जाएगा, और जब जब व्यक्ति ने परिश्रम किया तो उसका फल मीठा होता है, तो ये कथन सही है और बिल्कुल सही है। चलिए इस वीडियो को मैं अपलोड कर देता हूँ, आपको बहुत जल्द से वीडियो मिल जाएगा, सुबह का भी 8:30 हो रहा है, आपको 8:40 तक वीडियो अपलोड हो जाएगा, फिर इसको देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।